व्यूअर्स, वेलकम है आप सभी का नव्य डांसिंग ब्लॉग्स में। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। और गाइस देखिए, आज हम लोग जा रहे हैं शादी में, तो ये हमने हाथों में मेहंदी लगवा ली है गाइस, और रेडी हो रहे हैं शादी के लिए, और बस थोड़ी देर में निकलने वाले हैं गाइस। ये देखिए नव्या रेडी हो गई है, और हम नव्या के पापा पूरी तरह से रेडी होकर के शादी के लिए निकल गए हैं। और शादी कहाँ है ये अभी आपको मैं आगे वीडियो में बताऊंगी कहाँ पे है। देखिए बैग पैक हो गया है ये नव्या के पापा, और जाते जाते हमने गणेश बाबा के आगे मस्तक झुकाया, सर झुकाया, और सबसे पहले नव्या के पापा उतरे, फिर नव्या उतर रही है, उसके बाद पीछे से मैं उतर रही हूँ, और ये वहाँ पहुँच गए हैं, रेडी हो चुके हैं पहुँच के। ये देखिए ये है व्यू शादी का। और मैं आपको बता दूँ सारी कहाँ थी, जो मेरी सिस्टर हैं उनकी ननद की शादी थी, मतलब सिस्टर इन लॉ की शादी थी मेरी सिस्टर की, तो हम सब वहीं गए हुए थे, मम्मी आई थी, पापा आए थे। और ये देखिए दूल्हा आ गया है, मतलब मैं सीधा रेडी हो गई, उसके बाद मैंने ये वीडियो बनाया। दूल्हा को देखो लेकर के आ रहे हैं, जीजू जी हैं और सभी लोग हैं, दूल्हे को उठा के लेके आते हैं, हम लोगों के यहाँ दूल्हे को गोद में लेके आते हैं। और ये यहाँ पे हो रहा है जो रश्म हो रही है, द्वारचार कहते हैं इसको, ये हो रहा है वहाँ पे द्वारचार। और ये हमारी दीदी की मदर इन लॉ हैं, और ये दीदी की क्यूटी पाई है, मेरी गोद में सोई हुई है क्योंकि दीदी बिजी हैं। और ये हमारी प्यारी सी नव्वू है, मतलब नव्या, और दूल्हे को मंडप के नीचे बैठाया जा रहा है। नव्या क्यों देखिए मस्ती गाइस, देखिए कितना कर रही है नव्या, इतनी खुश थी एकदम रेडी होके डांस करने में बिजी थी, इतना मना किया जा रहा था, सभी लोग मना कर रहे थे, ये लग रहा था कहीं उसको नज़र ना लग जाए या थक ना जाए, बीमार ना हो जाए, बट नव्या रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी गाइस। और देखिए ये द्वारचार हो रहा है, सभी लोग खड़े हैं, पंडित जी पूजा करवा रहे हैं, उसके बाद ये रश्म आपको हम सब दिखा रहे हैं। और नव्या देखिए लगातार म्यूज़िक चल रहा है, डांस करने में लगी हैं, द्वारचार पूजा होने के बाद सीधा स्टेज पर जाएगा जयमाल में, और फिर वहाँ की ब्लॉग आपको दिखाऊंगी। ये पार्ट वन है, क्योंकि ऐसे मैं पूरा वीडियो डालती तो बहुत लंबा वीडियो हो जाता है, इसलिए मैंने पार्ट पार्ट में करके बनाया है। फर्स्ट मैंने पार्ट आपको दिखाया कि हम लोग वहाँ पहुँच गए हैं और द्वारचार पूजा हो रही है, और दूल्हा थोड़ी देर के लिए जब द्वारचार पूजा हो जाती है तो जाता है डांस के लिए, थोड़ा सा डांस करता है, उसके बाद स्टेज पर पहुँच जाता है। सेकेंड वीडियो में आगे की मैं दिखाऊँगी कि आगे क्या होता है शादी में, बहुत छोटी छोटी सी मैंने क्लिप्स ली हैं। ये देखिए द्वारचार पूजा भी चल रही है, और नव्या भी अपना एंजॉय करिए। देखिए गाइस कितना अच्छा डेकोरेशन हो रखा है ये मंडप का, कितना चाहिए। हमारे जीजू जी हैं जो सर पे रुमाल रखे हैं, ब्लैक कलर की शर्ट, और ये जीजू की मतलब की सिस्टर के जो होने वाले हस्बैंड है ये उनका है। और ये मम्मी आ रही हैं वहाँ से उतर के, देखिए मम्मी ने देख लिया मैं वीडियो बना रही हूँ तो मुस्कुराने लगी हैं गाइस। देखिए मम्मी खुश हैं बहुत, कितनी क्यूट लग रही हैं मम्मी, कितनी सुंदर लग रही हैं, ब्यूटीफुल, नज़र ना लगे मेरी माँ को, थैंक यू सो मच। देखिए गाइस कितना अच्छा डेकोरेशन हो रखा है, सभी गेस्ट बैठे हुए हैं और पूरी जयमाल की तैयारी हुई। ये दूल्हा पहुँच गया स्टेज पे, मतलब जहाँ पे डीजे लगा हुआ था वहाँ पे दूल्हा और दूल्हे के फ्रेंड थोड़ा सा मस्ती करते हैं, डांस करते हैं, इन्जॉय करते हैं। ये देखिए सभी कितना इन्जॉय कर रहे हैं गाइस, और नव्या भी साथ साथ में सभी के इन्जॉय कर रही है, दूल्हा डांस कर रहा है, उनके दोस्त और घर वाले सभी लोग दूल्हे को नचा रहे हैं। तो मैंने छोटे छोटे से कैप्चर ले लिया था, और मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों को शेयर किया जाए कि हम लोग शादी में गए तो कैसे इन्जॉय किया, कैसे मस्ती की। बहुत दिनों के बाद नव्या, मतलब जब से हुई फर्स्ट टाइम कोई शादी अटेंड की थी, इसलिए ये जो मतलब मोमेंट था ये मैंने कैप्चर कर लिया। और ये डेकोरेशन है, अभी देखिए नव्या आएगी खुश होते हुए और डांस करी। ये देखिए नव्या खड़ी है कि सब लोग डांस कर रहे हैं, नव्या को मैं जब वीडियो में लेती हूँ तो वो समझ जाती है मम्मा मेरा वीडियो बना रही है और खुश हो जाती है। गाइस ये मैंने अभी शादी का फर्स्ट पार्ट आपको दिखाया, उसके बाद आगे का स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगी, बहुत छोटी छोटी सी क्लिप्स दिखाऊंगी क्योंकि बहुत लेंदी हो जाता है वीडियो, इसलिए मैंने छोटा छोटा सा क्लिप्स ले लिया और पार्ट में करके दिखाऊंगी तो ज़्यादा बेटर रहेगा। उसके बाद मैंने रेडी हो गई थी तो मैंने थोड़ा सा शूट करवाया था, ये देखिए बैठ के मैं, और ये जो सिस्टर इन लॉ है उनकी फ्रेंड्स है उसकी भी थोड़ी सी शूटिंग की थी, मतलब मुझसे बोली कि दीदी आप मेरा फ़ोटो ले लो, तो मैंने उसका फ़ोटो लिया, उसने मेरा लिया, और फिर ये मम्मी दीदी और मैं हो नहीं पा रहा था क्योंकि तीन लोग उसमें आ नहीं पा रहे थे कैमरे में, तो दीदी और मम्मी और ये मैं और मम्मी, देखो एक ही कलर की साड़ी पहन रखे हैं, माँ बेटी, मैं एकदम अपनी मम्मा पे गई हूँ, सेम मेरी मम्मा और मैं जैसे एक जैसी लगती हूँ। और ये देखिए मम्मा और मैं दोनों मतलब फ़ोटो वोट ले रहे थे यादगार के लिए, छोटी छोटी सी क्लिप्स हैं, माँ बेटी बैठे हैं, दोनों एक जैसे लग रहे हैं, तो ये मैंने सोचा क्यों ना हम आपको ये शेयर करते हैं, ये सब यादगार लम्हे हैं जो हमेशा हमारे मोबाइल पे कैप्चर रहेंगे। और थोड़ी सी मैंने फोटोशूट करवा ली मम्मा के साथ, सिस्टर के साथ, सभी के साथ में, और ये ब्लॉग यहीं पर एंड करते हैं। उसके आगे का ब्लॉग मैं आपको सेकेंड पार्ट में लाऊँगी, छोटे छोटे से पार्ट्स में लाऊँगी आपको। और गाइज़ प्लीज़ बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा, थैंक यू सो मच गाइज़, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब मत भूलना, और बेल आइकन बटन जरूर दबा देना जिससे कि नोटिफिकेशन